कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, 23 एंड 27। तीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ ये कवर होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लिखेंगे एस पर कंपनीज एक्ट 2013, इफ एनी कंपनी हैविंग कंट्रोल ओवर अदर इफ एनी कंपनी हैविंग कंट्रोल ओवर अदर देन कंपनी हैविंग कंट्रोल must prepare additional financial statements, additional financial statements known as consolidated financial statements। देखिए, अगर कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी का कंट्रोल ले रखा है, किसने, अभी हम बात करेंगे कंट्रोल कैसे आता है, बट द डेफिनेशन इज अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी का क्या ले रखा है, कंट्रोल ले रखा है, तो जिस कंपनी ने कंट्रोल ले रखा है उसे एडिशनल स्टेटमेंट के रूप में अपने क्या बनाने पड़ते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो अपनी स्टैंड अलोन स्टेटमेंट तो बना ही रही है, वो अपनी खुद की जो बैलेंस शीट है उसको तो प्रिपेयर कर ही रही है, दैट इज कॉल्ड स्टैंड अलोन बैलेंस शीट। बट उसके साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, एक कंसोलिडेट या जिसको मैं बोलूं कंट्रोल्ड बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है। कंट्रोल्ड का मतलब हो गया या कंसोलिडेट का मतलब हो गया, मेरे साथ साथ मैं उस कंपनी को भी अपने साथ दिखाऊंगा जिसका मैंने क्या ले रखा है, कंट्रोल ले रखा है। तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड ए कंसोलिडेटेड
बैलेंस शीट। बी कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड नोट्स टू अकाउंट्स। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें चार चीजें बनानी रहती हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट और कंसोलिडेटेड नोट्स टू अकाउंट्स। मीनिंग ऑफ कंट्रोल, हमने ऊपर एक पॉइंट लिखा था कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं अगर आपका किसी दूसरी कंपनी पे क्या आ गया, कंट्रोल आ जाता है, हैविंग कंट्रोल। तो बात यह आती है कि कंट्रोल कैसे डिफाइन किया जाएगा कि कंट्रोल है। इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन If any of the following condition is satisfied, then we can say that one company having control over other, क्या बोल रहा है, देखिए control कैसे आता है। If any of the following condition is satisfied, then we can say कि आपने उस दूसरी कंपनी पर क्या कर रखा है, कंट्रोल ले रखा है। कंडीशन वन, इफ वन कंपनी हेल्ड मोर देन 50% of share capital, 50% of share capital of other, अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी की more than 50% क्या ले रखी है, share capital ले रखी है, तो this will be called कंडीशन नंबर वन कि हाँ आपकी एक कंडीशन है और अगर मोर देन 50% आपने शेयर ले रखे हैं तो इट मींस देयर इज अ कंट्रोल। और कंडीशन टू, इफ वन कंपनी If one company has
पावर टू कंपोज या गवर्न क्या होती है दूसरी कंडीशन, अगर आपके पास क्या है पावर टू कंपोज या गवर्न ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अदर कंपनी, यानी आपके पास दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिमूव करने या उनको अपॉइंट करने की अगर आपके पास क्या है पावर है, तो यानी इफ द वन कंपनी हैज पावर टू कंपोज और गवर्न गवर्निंग बॉडी बॉडी ऑफ अनदर एंटिटी, ऑफ अनदर एंटिटी, दैट इज अपॉइंट और रिमूव बीओडी, तो हम बोलते हैं कि आपके पास गवर्निंग बॉडी को पावर टू कंपोज या गवर्न करने का राइट है। तो देखिए क्या बोल रहा है ये कि कंट्रोल का मतलब है कि अगर आपने इन दोनों में से किसी भी एक कंडीशन को अगर पूरा कर दिया है तो वी कैन से कि हमारे पास उस दूसरी कंपनी का क्या आ गया कंट्रोल आ गया। पॉइंट नंबर वन क्या है, आपके पास मोर देन 50% ऑफ शेयर कैपिटल होनी चाहिए, मोर देन 50% ऑफ शेयर कैपिटल, और दूसरा आपके पास ये पावर होना चाहिए कि आप उसकी गवर्निंग बॉडी को इन्फ्लुएंस कर सकें, यानी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर एज वेल एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिमूव करने की पावर। नाउ द मीनिंग, व्हाट डज मीन ऑफ शेयर कैपिटल हियर, हमने यहां पर एक टर्म यूज की है शेयर कैपिटल, तो लिखेंगे नोट, नोट, शेयर कैपिटल मींस, शेयर कैपिटल मींस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस कन्वर्टेबल कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में न केवल इक्विटी बल्कि एक एलिमेंट और इंक्लूड है विच इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, यानी जो आप 50% की लिमिट देखोगे उसमें दो कैपिटल जुड़ेंगी, इक्विटी शेयर कैपिटल जितनी आपने इशू कर रखी है प्लस अगर कंपनी ने क्या इशू कर रखे हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं तो वो भी एज पर द डेफिनेशन कंट्रोल की डेफिनेशन के लिए काउंट किया जाएगा। यानी अगर आपने मोर देन 50% ऑफ शेयर कैपिटल ले रखी है जिसमें इक्विटी प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है, या फिर दूसरा आपने क्या ले रखा है किसी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिमूव या अपॉइंट करने की पावर आपके पास है, तो इस कारण से उसका यह माना जाएगा कि आपके पास उस दूसरी कंपनी का कंट्रोल है, और अगर कंट्रोल है तो एज एन एडिशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। ध्यान रखना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एडिशनल स्टेटमेंट्स, मैं अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं वो तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, साथ में अगर मान लो मैंने इनकी कंपनी का कंट्रोल ले रखा है तो मुझे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ एडिशनली क्या करना पड़ेगा, एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे विच आर नोन एज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर बिल्कुल ये पॉइंट, पॉइंट नंबर फोर, अकाउंट
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 डज नॉट सेज या डज नॉट स्पेसिफाई व्हेन शुड कंसोलिडेशन मेड बट इट स्पेसिफाई प्रोसीजर फॉर कंसोलिडेशन समझना एस 21 ये नहीं बोलता है कि कंसोलिडेशन करना है आपको कंसोलिडेशन करना है या नहीं करना है वो कंपनी एक्ट बोल रहा है कंट्रोल की डेफिनेशन की वजह से एस 21 तो सिर्फ अकाउंटिंग प्रोसीजर देगा कि हां अगर आपको कंसोलिडेशन करना है तो किन रूल्स को फॉलो करते हुए कंसोलिडेशन करना है यानी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 है उसने क्या बताया प्रोसीजरल पार्ट दिया कि अच्छा अब आपका एक कंपनी के ऊपर कंट्रोल आ गया है तो नाउ यू हैव टू अप्लाई एस 21 अब आपको एस 21 लगाना पड़ जाएगा तो एस 21 कहीं भी ये नहीं बोलता कि आपको कंसोलिडेशन करना है ये तो सिर्फ इतना बोलता है कि अगर आपको कंसोलिडेशन करना है तो फिर अब मेरे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे आपको तो एस 21 केवल और केवल क्या स्पेसिफाई करता है प्रोसीजरल पार्ट स्पेसिफाई करता है कि हां आपको कंसोलिडेशन करना है पॉइंट नंबर 5 एस 21 स्पेसिफाई फुल कंसोलिडेशन मेथड फुल कंसोलिडेशन method for accounting is 21 बोलता है आपको जो method use लेना है that method is known as full consolidation method यानी समझना या तो consolidation होगा तो 100% होगा और नहीं होगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा और ये पता लगेगा कंट्रोल की डेफिनेशन की वजह से समझना मैंने इनके 70% शेयर खरीद रखे हैं क्या मेरे पास इनका कंट्रोल आ गया बहुत ध्यान से समझना हम दो टर्म्स पर बात कर रहे हैं आपकी आज कल और परसों बेसिकली तीन क्लासेस सबसे इंपॉर्टेंट हैं अगर तीन क्लास समझ आ गई तो ये चैप्टर बिल्कुल स्मूथली आपका रन करेगा और अगर तीन क्लास में ये जो टर्म्स हम बातें कर रहे हैं ये नहीं समझ आई तो आफ्टर दैट हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में समस्याएं आती हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनना मैंने इस कंपनी के 70% शेयर ले रखे हैं क्या आपको लगता है मेरी ओनरशिप 70% है ओनरशिप हम दो टर्म्स पर बात कर रहे हैं वन टर्म इज कॉल्ड ओनरशिप एंड अनदर टर्म इज कॉल्ड कंट्रोल मैंने 70% शेयर खरीद रखे हैं तो मेरे पास ओनरशिप कितनी है इस कंपनी की 70% अगर कल को इस कंपनी को बेचा जाए नेट असेट निकाली जाए समझना उस नेट असेट में मेरा हिस्सा कितना है 70 लेकिन एस 21 क्या बोलता है सुनो आपने कंट्रोल ले लिया क्योंकि कंट्रोल आ गया मोर देन 50 पर तो आपको कंसोलिडेट करते समय 70% हिस्सा नहीं लेना अपना आपको क्या करना है 100% कंसोलिडेशन करना है एक्चुअली में कंसोलिडेशन इज जस्ट अ कंट्रोल्ड बैलेंस शीट मैंने जिस कंपनी को कंट्रोल में ले रखा है मैं उस कंपनी को या उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जोड़कर दिखाऊंगा एक और एग्जांपल समझना फॉर एग्जांपल मान लो मैंने और इन्होंने मिलकर एक कोई असेट खरीदी 10 लाख की
एक सिंपल डेफिनेशन पर बात करते हैं। यूज मैं लूंगा, मैंने उसमें 70% पैसा लगाया, इन्होंने उसमें 30% पैसा लगाया। ओनरशिप को कैसे डिफाइन करोगे आप? ओनरशिप को कैसे डिफाइन करोगे? उस असेट का 70% ओनर तो मैं हूं और 30% ओनर ये है कि नहीं? ऐसा 70% ओनरशिप तो मेरे पास है और 30% ओनरशिप इनके पास है, लेकिन कंट्रोल किसके पास है उस मशीन का? काम में कौन ले रहा है? मैं। कंट्रोल मेरे पास है। क्या ऐसा होगा कि भाई ये मशीन काम कर रही है 70% प्रोडक्शन करने के बाद रुक जाएगी? कि बोले नहीं, तुम्हारी ओनरशिप तो इतनी थी बस, 70% के आगे मैं तो काम ही नहीं करूंगी जब तक ये आके मुझे परमिशन ना दे दे? होगा ऐसा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंट्रोल मेरे पास आ चुका है, ओनरशिप हम दोनों के पास है। तो ओनरशिप इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कंट्रोल, एंड दिस चैप्टर इज ओनली एंड ओनली अबाउट द कंट्रोल, नॉट ऑन द ओनरशिप। ये पूरा एस 21 हमें कंट्रोल वर्ल्ड के ऊपर काम करने को बोलता है, ओनरशिप के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। हाँ, नो डाउट मेरी ओनरशिप 70 है तो मेरा ओनरशिप राइट 70% है, बट ड्यू टू द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल मेरे पास इस असेट का या इस कंपनी का कंट्रोल 100% आ जाएगा। और एस 21 कहीं भी ओनरशिप की बातें नहीं करेगा, एस 21 बातें करेगा किसके ऊपर? कंट्रोल के ऊपर, कि या तो कंट्रोल 0% होगा या कंट्रोल 100% होगा। कंट्रोल कैन नॉट बी प्रोपोर्शनेट, इसीलिए एस 21 ने फुल कंसोलिडेशन मेथड को डिफाइन किया। इसने बोला कि आपके पास कंट्रोल अगर आएगा तो या तो 100% आएगा या बिल्कुल नहीं आएगा। अब 100% कंट्रोल कब आएगा? 100% कंट्रोल आएगा इससे, इन दो कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन को पूरा करते ही आपके पास कंट्रोल कितना आ गया? 100%। अगर इनमें से कोई कंडीशन पूरी नहीं हो रही है तो आपके पास जो कंट्रोल है वो कितना हो गया? 0%। दैट विल बी कॉल्ड कंट्रोल। और एस 21 बोलता है हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं फुल कंसोलिडेशन मेथड पर। अब देखिएगा, एक पॉइंट आता है, अगर मान लो मैं फुल कंसोलिडेशन कर रहा हूं, यानी इट मींस मैं इनकी असेट लाइबिलिटी को अपने साथ जोड़ के दिखा रहा हूं, तो आपको नहीं लगता कि मैं गलत प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूं? मान लो इस कंपनी के पास फिक्स असेट है 1,00,000 की, उसमें 70% तो मेरा है, तो मेरा तो मैं अपने साथ दिखा सकता हूं, लेकिन 30% तो मेरा नहीं है ना, लेकिन मैं 100% कंसोलिडेट कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? 100% कंसोलिडेट कर रहा हूं। तो इस वजह से मुझे कुछ नई अकाउंटिंग टर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। थोड़ा सा ध्यान से आप एक बार समझेंगे पॉइंट को। पहले यह समझ आया फुल कंसोलिडेशन मीनिंग? फुल कंसोलिडेशन का सिर्फ एक ही मीनिंग है, या तो वो 100% मेरे साथ जुड़ेगी या वो बिल्कुल भी मेरे साथ नहीं जुड़ेगी, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। देखना, एक बैलेंस शीट है एज ऑन 31 मार्च 2018 की। एच माने होल्डिंग कंपनी, एस माने उसकी सब्सिडरी। अच्छा, ये टर्म्स भी ध्यान रखना, अभी लिख लेंगे हम इसको। द कंपनी हैविंग कंट्रोल इज नोन एज पेरेंट कंपनी और होल्डिंग कंपनी। जिस कंपनी ने कंट्रोल ले रखा है उसे आप क्या बोलोगे? पेरेंट कंपनी या होल्डिंग कंपनी। और जिस कंपनी का कंट्रोल ले रखा है दैट विल बी कॉल्ड एज सब्सिडरी। अभी हम आगे लिखेंगे इसकी डेफिनेशन को भी। तो देखिएगा, एक टर्म्स में हम लेते हैं, हमें दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल। नहीं, अभी समझ लें, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास है 10,00,000 और यह है हमारे पास, मान लेते हैं, 8,00,000। फिर हमें रिजर्व्स दे रखे हैं, रिजर्व्स 3,00,000 और 2,00,000।
आफ्टर दैट मुझे करंट लाइबिलिटी दे रखी है 2 लाख और 1 लाख, ठीक है, तो टोटल आ गया यहां पर तो 15 लाख और 11 लाख, ठीक है। इधर आते हैं फिक्स असेट, हमें दे रखी है 7 लाख और 8,50,000, फिर दे रखे हैं इन्वेस्टमेंट 60% शेयर्स ऑफ एस 6,75,000 के, हमने एस लिमिटेड के कितने परसेंट शेयर ले रखे हैं, 60% शेयर ले रखे हैं कितने रुपए में, 6,75,000 रुपए में। एंड एज अ बैलेंसिंग फिगर मुझे जरा करंट असेट निकाल कर बताओ, यहां पर आ गया 125, तो टोटल आ गया 15 लाख, यहां कितना आ गया 250, दैट इज 11 लाख। बोली क्लियर है बैलेंस शीट? बिल्कुल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपसे सबसे पहली चीज पूछ रहा हूं, ये आपको एक इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है होल्डिंग कंपनी या एच पेरेंट कंपनी की बुक्स में। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है बताएं, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। हम ये बैलेंस शीट क्लियर है? बिल्कुल। आपने एक टर्म यहां पर देखी हुई है, ये लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट, 60% शेयर्स आपने ले रखे हैं, ये समझ आ गया कि कंट्रोल आ चुका है क्योंकि मोर देन 50% है। नाउ माय पॉइंट इज व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं बताएं, डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। बोलिए व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है भाई? मैंने इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट ले रखे हैं, अब इन्वेस्टमेंट आप समझ गए, बट नाउ माई क्वेश्चन इज व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, इसको डिफाइन कैसे करो? अगर आपसे कोई पूछे ये इन्वेस्टमेंट होता क्या है भाई, क्या बोलोगे आप? बोले हमने ना एक कंपनी के शेयर खरीदे, वो इन्वेस्टमेंट है। अरे वो तो ठीक है कि इन्वेस्टमेंट है, बट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पर अगर मैं बात करूं कि इन्वेस्टमेंट क्या है, नहीं देख लो आप लोग सीए फाइनल पर हो, एंड द टर्म्स ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज इन 11th 12th क्लास, सुनना ध्यान से, इन्वेस्टमेंट इज नथिंग दैट इज ओनली राइट इन नेट असेट ऑफ इन्वेस्टी कंपनी, राइट इन नेट असेट ऑफ इन्वेस्टी कंपनी। मैंने अगर इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट ले रखे हैं तो इट मींस इस कंपनी की नेट असेट में मेरा 60% अधिकार है, और उस अधिकार को लेने के लिए मैंने 6,75,000 रुपए का पेमेंट किया है। यानी इन्वेस्टमेंट इज नथिंग दैट इज ओनली एंड ओनली राइट इन नेट असेट ऑफ इन्वेस्टी। मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है जिस कंपनी में, उसकी नेट असेट में मेरा 60% अधिकार आ गया, दैट विल बी कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। क्लियर यहां तक? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये इन्वेस्टमेंट को खोल देते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट के मीनिंग को बताओ, तो आप क्या बोलोगे? सुनना, इस कंपनी की फिक्स्ड असेट में मेरा 60% अधिकार है, इस कंपनी की करंट असेट में मेरा 60% अधिकार है, और इस कंपनी की लाइबिलिटी में मेरा जो ऑब्लिगेशन है वो भी 60% है, तभी तो नेट असेट बनी। यानी नेट असेट का मतलब क्या है? राइट इन नेट असेट, नेट असेट मींस असेट माइनस लाइबिलिटी। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं आपसे बोलता हूं कि आप मुझे एक एंट्री डाल के बताओ कि मेरा जो नेट असेट में अधिकार है ना, उसकी वजह से मेरे पास क्या आ रहा है भाई, मैं देखना चाहता हूं इन्वेस्टमेंट की वजह से मेरे पास क्या आ रहा है, कैसे बोलूंगा बताओ, देखना बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल
मैं बोलूंगा देखो मेरे पास फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट कितना, 8,50,000 के 60% का तो अधिकार मेरा ही है, मैंने पैसा दिया है, मैं ओनर हूं उसका, और जब मैं किसी चीज का ओनर हूं तो मैं उसकी अकाउंटिंग एंट्री डाल सकता हूं कि नहीं डाल सकता, बताओ। 8,50,000 का 60% कितना हुआ, 5,10,000। क्लियर बिल्कुल? क्या आपको लगता है मेरे पास इसकी करंट असेट का भी अधिकार आ गया? तो लो मैंने लिखा करंट असेट अकाउंट डेबिट, कितनी थी करंट असेट्स, तो 2,50,000 का 60% कितना आ गया, 1,50,000। लेकिन मेरे पास कुछ ऑब्लिगेशन भी तो आ गए सामने वाले के, तो मैंने बोला मेरे पास ऑब्लिगेशन आए टू करंट लाइबिलिटीज अकाउंट, कितने की थी करंट लाइबिलिटी, 1,00,000 का 60%, 1,00,000 का 60%। जानते हो अगर मैंने अपनी बुक्स में नेट असेट का एक अमाउंट लिया तो इसका मतलब मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को इस तरह से ओपन करके लिखा, तो समझो जब मैंने इन्वेस्टमेंट को इस तरह से लिखा तो इन्वेस्टमेंट शुड बी कैंसल्ड। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि इसकी नेट असेट मेरी बैलेंस शीट में ले आओ तो इन्वेस्टमेंट की जगह ही तो रिप्लेस होगा ये, तो मैंने बोला कि चलो इन्वेस्टमेंट को हटा भी दो तो दैट विल बी कॉल्ड एज टू इन्वेस्टमेंट, कितना, 6,75,000। क्या देखें एंट्री में कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है क्या, डेबिट साइड के क्रेडिट साइड, डेबिट साइड मतलब समझना आप, मैंने इस कंपनी की नेट असेट खरीदी है कितने रुपए की, 5 + 1, 6,70,000 - 60, 6,60,000 - 60,000 कितने की, 6,00,000 की। मैंने अधिकार तो खरीदे 6,00,000 के, लेकिन पेमेंट कितना किया, पेमेंट तो मैंने ज्यादा कर दिया। क्या आपको लगता है ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट मैंने किया ये मेरा नुकसान है? बिल्कुल है, दैट इज माई लॉस। समझो मैं मार्केट गया, सुनना बहुत ध्यान से, मैं मार्केट से ये खरीद के लाया, ये कोई इन्वेस्टमेंट है, ये लेकर आया, मैंने ये देखा कि यार इसकी जो वर्थ है ना वो तो 6,00,000 ही है केवल, और मैं दे कितना आया, 6,75,000। तो मैंने वो जो एक्स्ट्रा पेमेंट दिया वो क्यों दिया, जो मेरा एक लॉस रिप्रेजेंट हो रहा है, वो हम कहते हैं कि हमने सामने वाली कंपनी की गुडविल के लिए पैसा दिया, गुडविल अकाउंट डेबिट कितना, 75। ये बेसिकली और कुछ नहीं है, एक लॉस है मेरा, कि मैंने फायदा या नुकसान की जो मैं बात कर रहा हूं दैट विल बी कॉल्ड एज गुडविल और कैपिटल रिजर्व। समझो क्या हो गया, अब कहां है, अब तो बराबर हो गई ना एंट्री, 6,75,6,75। भाई यही तो चीज हम देख रहे हैं कि मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने एक कंपनी की नेट असेट ली 6,00,000 की, लेकिन बदले में पेमेंट कितना किया, 6,75। वो 75 किस चीज का दे दिया मैंने उसको, तो दैट पेमेंट इज नोन एज गुडविल। गुडविल नहीं, मैं तो एक सिंपल सी बात कर रहा हूं, मेरा नुकसान हो गया भाई, मैं 6,00,000 की वर्थ 6,75,000 में खरीद लाया, सिंपल सी। ये गुडविल कैपिटल रिजर्व धीरे धीरे हम बात करेंगे, अभी तो मैं एक जनरल बस टर्म यूज कर रहा हूं, बाकी मीनिंग समझें कि मैं 6,00,000 की वर्थ अपने घर पे लाया, लेकिन मैं उस वर्थ के लिए पेमेंट कितना करके आया, पेमेंट तो मैंने 6,75,000 किया, तो यानी अगर मैंने कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया तो दैट एक्स्ट्रा पेमेंट इज माई लॉस। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपको लगता है मैं ये चाहता था कि मेरे इन्वेस्टमेंट को मेरी बुक्स से हटा दूं और इन्वेस्टमेंट की जगह ये चीजें लिख दूं, तो क्या आपको लगता है मैं ऐसा कर सकता हूं? भाई इन्वेस्टमेंट क्या है, किसी भी कंपनी की नेट असेट में मेरा अधिकार,
मैं बोल रहा हूं मुझे इन्वेस्टमेंट अपनी बुक्स में नहीं लिखना, मुझे इन्वेस्टमेंट को किसी दूसरे रूप में लिखना है। तो अगर मैं इस एंट्री को अपनी बैलेंस शीट में इनकॉर्पोरेट कर दूंगा ना, तो दिस विल सेज कि मैंने अपनी अपनी बैलेंस शीट में इस कंपनी की बैलेंस शीट की नेट असेट को जोड़ लिया। आप देख लो ध्यान से, अगर मैं इन सारी एंट्रियों को पास करूंगा तो अल्टीमेटली इंपैक्ट तो 6/75 ही आ रहा है। देखो मैं अपनी असेट को बढ़ा दूंगा 5-10 से, इससे बढ़ा दूंगा, इससे बढ़ा दूंगा और इससे कम कर दूंगा, नेट इफेक्ट 6/75 बच रहा है। मेरी बैलेंस शीट में 6/75 ऑलरेडी चल रहा है ना असेट साइड में, उसको हटा दूं। इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करने का मतलब क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट को बैलेंस शीट से हटाना, और उसकी जगह अगर इन चार आइटम को लिख रहा हूं तो भी तो मेरी असेट साइड 6/75 ही चल रही है। तो यानी मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि मैंने इस एंट्री को क्या कर दिया, इनकॉर्पोरेट कर दिया। ये कहलाता है प्रोसीजर ऑफ कंसोलिडेशन, मैंने जोड़ना चालू कर दिया अलग अलग तरीके से। लेकिन इस एंट्री को करने के बाद भी एक समस्या आई AS21 की। AS21 बोल रहा है या तो कंट्रोल 100% होगा या 0। मैंने तो अभी तक ये जो एंट्री पास की है तो 60% हिस्से की थी, 40% तो अभी भी नहीं आया, जबकि उसकी एंट्री भी मुझे इनकॉर्पोरेट करनी है। तो अब मैं वो 40% की एंट्री डालना चालू करूंगा। मैंने कहा अच्छा नहीं आया तो अब ले आते हैं फिक्स असेट डेबिट। बताओ 8.5 लाख का 40% कितना हुआ? 5-10 तो यहां आ गया था ना, 3-40। करंट असेट कितना? 1 लाख। टू करंट लाइबिलिटीज 40,000। बताइए अगर मैं इन तीनों को भी अपने साथ जोड़ दूं तो क्या आपको लगता है अब मैंने होल्ड सब्सिडरी कंपनी की पूरी बैलेंस शीट को जोड़ लिया एज अ नेट असेट? लेकिन एक समस्या, समस्या क्या? क्या ये मेरी ओनरशिप है? क्या ये मेरी ओनरशिप है? क्या ये 40% मेरा है? नहीं है। किसका है ये 40%? ये 40% इनका है, समझना। तो मैं क्या बोलूंगा, सुनोगे बहुत ध्यान से, मैंने इस पर कंट्रोल तो ले रखा है। कितना है ये कंट्रोल? 3 और 1 4 लाख का। बट इस पर मेरी ओनरशिप नहीं है। इस पर मेरा क्या है? कंट्रोल तो है लेकिन क्या नहीं है? ओनरशिप नहीं है। तो दिस अमाउंट शुड बी रिप्रेजेंटेड एज अ न्यू टर्म इन माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच इज कॉल्ड माइनॉरिटी इंटरेस्ट, 2MI, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। टर्म्स थोड़ी अजीब हैं, समझना धीरे धीरे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट मींस दैट पोर्शन ऑफ नेट असेट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट मींस दैट पोर्शन ऑफ नेट असेट विच आर अंडर कंट्रोल ऑफ मी बट नॉट ओन्ड बाय मी। 60% ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय मी, 40% ओन्ड बाय मी बट कंट्रोल्ड बाय द अदर, सॉरी कंट्रोल्ड बाय मी बट ओन्ड बाय द अदर, दैट विल बी टर्म्ड डिफाइन अंडर AS21 इज कॉल्ड माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज अ लाइबिलिटी। दिखा दिया मैंने, बोला इसका कंट्रोल तो मेरे पास आ गया लेकिन चूंकि ओनरशिप किसी और की है तो उस ओनरशिप के हिस्से को मैं एक लाइबिलिटी बना देता हूं, समझो। अब मैं कह सकता हूं ना, मैंने इसकी असेट ले ली, बदले में मुझे इसको 4 लाख रुपए देने, तो मैंने अपनी बुक्स में क्या क्रिएट कर ली? एक लाइबिलिटी क्रिएट कर ली बाय द नेम ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। बोलो क्लियर हुआ आप ये? यानी अब एक बार दो टर्म्स आपने सीखी, वन इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एंड वन इज कॉल्ड MI। इन्वेस्टमेंट मींस राइट इन नेट असेट या इन अदर मैनर दैट पोर्शन ऑफ नेट असेट विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द पेरेंट कंपनी,
दैट विल बी कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट, और दूसरा MI माइनॉरिटी इंटरेस्ट, दैट इज दैट पोर्शन ऑफ नेट असेट विच आर कंट्रोल्ड बाय द पेरेंट कंपनी बट नॉट ओन्ड। उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते हैं। यानी अगर मैं आपको अब कभी भी बोलूं कि मुझे अपनी बुक्स से इस इन्वेस्टमेंट को हटाना है, तो ये इन्वेस्टमेंट रिप्लेस किए जा सकते हैं किसके द्वारा, बाय द अमाउंट ऑफ नेट असेट। अगर मैं नेट असेट लिखूंगा तो मैं अपने इन्वेस्टमेंट को उस नेट असेट से क्या कर सकता हूं, रिप्लेस कर सकता हूं। अब जानते हो अगर मैं इन दोनों एंट्रियों को अपनी बैलेंस शीट में इनकॉर्पोरेट कर दूंगा, दिस बैलेंस शीट विल बी कॉल्ड एज कंसोलिडेटेड या कंट्रोल्ड बैलेंस शीट। मैंने उसकी असेट लाइबिलिटी को अपने साथ क्या कर लिया, मर्ज कर लिया बाईपासिंग टू जर्नल एंट्रीज। इन जर्नल एंट्रीज को समझें, हमें धीरे धीरे जर्नल एंट्रीज इस चैप्टर में नहीं करनी है। यह है कंट्रोल प्लस ओन पार्ट। जिसकी मेरे पास ओनरशिप है ना, उसका तो कंट्रोल होता ही होता है, और ये एंट्री है कंट्रोल बट नॉट ओन्ड, ये एंट्री इसकी। बट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस चैप्टर इज टू शो द कंट्रोल नॉट द ओनरशिप। ये पूरा जो हमारा चैप्टर है AS 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये केवल और केवल कंट्रोल के वर्ड पर बातें करेगा। कंट्रोल आपके पास या तो जीरो होगा या फिर आपके पास 100% होगा। बोलिए, थोड़ा थोड़ा सा कुछ टर्म्स क्लियर हुई क्या? चीज नरेशन नहीं इसमें, एक्चुअली में इस पूरे चैप्टर में हम एंट्रियां एक भी नहीं डालने वाले हैं, बट नरेशन हो गया यहां पर तो हमारा कि नेट असेट एक्वायर्ड, हमने जो नेट असेट एक्वायर्ड की, और यहां पर कैसे दिखाएंगे, नेट असेट कंट्रोल्ड एंड क्रिएट अ लाइबिलिटी ऑफ MI। मैंने MI की एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दी। बोलो यहां तक का पॉइंट क्लियर है? चलिए तो पहले एक दो बातें और लिखेंगे। पॉइंट नंबर 6, उसके बाद पॉइंट नंबर 6 लिखें, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी मींस दैट पोर्शन ऑफ नेट असेट, दैट पोर्शन ऑफ नेट असेट ऑफ सब्सिडरी विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय पेरेंट या होल्डिंग कंपनी। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी का मतलब है दैट पोर्शन ऑफ नेट असेट ऑफ सब्सिडरी विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द होल्डिंग कंपनी। 7 पॉइंट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट जिसको हम बोलेंगे MI,
मींस दैट पोर्शन ऑफ नेट असेट ऑफ सब्सिडरी विच आर अंडर कंट्रोल विच आर अंडर कंट्रोल बट नॉट ओन्ड बाय होल्डिंग कंपनी. Hence, MI will create a liability for holding company. MI का मतलब होगा उस net asset का हिस्सा जो कि क्या है हमारे अंडर कंट्रोल तो है लेकिन हमारे पास ओन्ड नहीं है और इसलिए उसे मैं अपनी बुक्स में एज अ लाइबिलिटी शो कर रहा हूं क्योंकि मेरा न होते हुए भी मैं उसे अपनी बुक्स में दिखा रहा हूं तो मुझे तुरंत उसकी करस्पॉन्डिंग क्या क्रिएट करनी पड़ेगी एक लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी. बोलिए बिल्कुल क्लियर है यहां तक का हिस्सा. यानी दो नई टर्म्स आपको समझ आ गई. वन इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एंड अनदर इज कॉल्ड MI यानी माइनॉरिटी इंटरेस्ट. अच्छा नाउ देयर इज अनदर अप्रोच टू कैलकुलेट नेट असेट व्हिच इज कॉल्ड लाइबिलिटी अप्रोच ऑफ नेट असेट. नेट असेट निकालने की दो बेसिक अप्रोच होती है असेट साइड और असेट साइड से कैसे निकालते हैं. आपने सारी फिक्स असेट ले ली प्लस करंट असेट्स ले ली माइनस करंट लाइबिलिटी और माइनस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज तो बचा हुआ हिस्सा आपके पास क्या आ गया सामने वाली कंपनी की नेट असेट आ गई. ऑन द अदर हैंड दूसरा तरीका क्या है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लसेस माइनस फिक्टिशियस असेट्स तो भी आपके पास क्या आ जाएगी नेट असेट आएगी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लसेस माइनस फिक्टिशियस असेट. अच्छा चलो जरा देखते हैं पहले इस क्वेश्चन में जरा देखो असेट अप्रोच से अगर आप नेट असेट निकालते हो तो कितना आ रहा है. देखो 7 लाख की सॉरी 8.50 की फिक्स असेट प्लस 2.5 लाख तो टोटल 11 हो गया 11 में से माइनस कर दिया आपने 1 लाख तो कितना आ गया 10 लाख. नाउ अगर अपन लाइबिलिटी अप्रोच से चलते हैं तो क्या 10 लाख आ रहा है. इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख प्लस रिजर्व्स 2 लाख यानी हम दोनों में से किसी भी अप्रोच से क्या निकाल सकते हैं नेट असेट. बट इन दिस चैप्टर फॉर द फ्यूचर क्वेश्चंस वी ऑलवेज कैलकुलेट नेट असेट थ्रू द लाइबिलिटी अप्रोच ओनली. अब हम इस पूरे चैप्टर में नेट असेट के लिए कभी भी असेट अप्रोच पर बातें नहीं करेंगे. कैन बी कैलकुलेट हम असेट साइड से जा सकते हैं बट फॉर द पर्पस ऑफ वर्किंग ऑफ दिस चैप्टर मुझे क्या करना है मुझे हर बार अब जो नेट असेट निकालनी है वो किस अप्रोच के थ्रू निकालनी है लाइबिलिटी अप्रोच के थ्रू जाना है. सेम आएगा आंसर बिल्कुल भाई हमने असेट अप्रोच उठाई या उसकी जगह पर हम क्या कर ले अगर हम लाइबिलिटी अप्रोच पर भी जाते हैं तो भी हम नेट असेट को क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है तो एक्चुअली में इसकी कुछ जो वर्किंग्स होंगी वो समस्याएं आएंगी क्या आएंगी हमने ये जब इन्वेस्टमेंट खरीदे हमें उस दिन हर असेट की अलग अलग हर लाइबिलिटी की वैल्यू पता नहीं होती है बट इस चैप्टर की कुछ ऐसी अजम्पशंस हैं जिससे कि हम कैपिटल या रिजर्व्स को लेकर उन अजम्पशंस को अप्लाई कर सकते हैं. अभी रीजन थोड़ा आगे आओगे तब पता लगेगा कि क्यों मुझे इसमें लाइबिलिटी अप्रोच काम में लेनी पड़ रही है. तो नेट असेट निकालने की दो अप्रोच है क्योंकि हमें
इन दोनों का ही मीनिंग हमारे पास नेट असेट है, तो ये पॉइंट भी आप लेट डाउन करेंगे। नेट असेट ऑफ सब्सिडरी कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग इधर असेट अप्रोच और लाइबिलिटी अप्रोच। असेट अप्रोच और लाइबिलिटी अप्रोच, नेट असेट हम दोनों तरह से निकाल सकते हैं, असेट अप्रोच से और लाइबिलिटी अप्रोच से। असेट अप्रोच फिक्स असेट, फिर करंट असेट, माइनस करंट लाइबिलिटीज और माइनस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, तो मेरे पास नेट असेट आ जाती है। इधर जाऊंगा तो मेरे पास शेयर कैपिटल होगी, रिजर्व्स एंड सरप्लस होंगे, माइनस अगर लॉसेज हैं तो वो हटा दिए जाएंगे, और माइनस फिक्टिशियस असेट, तो भी मेरे पास नेट असेट आ जाएगी। तो अगर मुझे सब्सिडरी कंपनी की नेट असेट निकालनी है तो मेरे पास असेट अप्रोच और लाइबिलिटी अप्रोच है। ठीक है, और इसी के नीचे एक नोट लिख लेंगे, नोट वी मस्ट यूज लाइबिलिटी अप्रोच फॉर नेट असेट कैलकुलेशन। अब देख लें, इसमें आपको अगर कोई भी बेसिक टर्म किसी भी चीज को पूछना हो, हमने कुछ 6-7 पॉइंट लिख लिए, कंट्रोल का मीनिंग, नेट असेट का मतलब, इन्वेस्टमेंट का मतलब एंड एमआई का मतलब। चलिए देखिएगा ध्यान से, अब हमने नेट असेट निकालने की दो अप्रोच पर बातें की, कि या तो हम नेट असेट निकालेंगे किससे, असेट अप्रोच से, या हम नेट असेट निकाल सकते हैं लाइबिलिटी अप्रोच से। बट अंडर द चैप्टर ऑफ कंसोलिडेशन अब हमें जो नेट असेट निकालनी है वो निकालनी है किस अप्रोच से, लाइबिलिटी अप्रोच से। नाउ अगेन वन मोर पॉइंट, अब ध्यान से देखिएगा, अच्छा मुझे बताएं, किसी भी चीज को खरीदने के बाद उसका फायदा और नुकसान, जिसको हम नाम दे रहे थे गुडविल और कैपिटल रिजर्व, तो अगर मैं गुडविल कैपिटल रिजर्व छोड़ दूं तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कि किसी भी चीज को खरीदने का फायदा और नुकसान किस दिन निकाला जाना चाहिए। देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैं इस पॉइंट को समझने के लिए एक सिंपल सी बात करता हूं, यहां से अपन यहां पर आते हैं। देखिए, यह है मान लीजिए 1 अप्रैल 17,
और यह है हमारे पास 31 मार्च 18। फर्स्ट अक्टूबर 17, 75% शेयर्स परचेस्ड ऑफ सब्सिडरी कंपनी। मैंने इन्वेस्टमेंट किस दिन खरीदे? 1/10/2017 को। अब कंसोलिडेशन यहां होना है, कंट्रोल मेरे पास आ चुका है, दैट इज अवर डेट ऑफ कंसोलिडेशन। दैट इज अवर डेट ऑफ कंसोलिडेशन, ये हमारी ईयर स्टार्टिंग डेट है। नाउ द पॉइंट इज, मुझे अपने इन्वेस्टमेंट को खरीदने का फायदा और नुकसान किस दिन ढूंढना चाहिए? या मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछूं कि आप किसी भी चीज को खरीदने का फायदा और नुकसान जानना चाहते हो, किस दिन देखोगे उस फायदे और नुकसान को? क्या किसी भी चीज का फायदा नुकसान उस डेट को देखा जाएगा जिस दिन आपने उसको खरीदा, या उसके बाद देखा जाएगा? भाई मुझे एक बात बताओ, आप कोई चीज खरीद के लाए, आप कुछ अमाउंट पे करके आए और उसके बदले में कोई चीज लाए, अब आप उसका फायदा नुकसान आज ही तो देखोगे ना कि यार आज मैंने इस चीज के लिए इतना पेमेंट किया और बदले में मेरे पास ये वर्थ आई, आगे और पीछे से क्या मतलब है कि उसकी वर्थ फ्यूचर में। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं ये मोबाइल आज खरीद के लाया, बोले 15,000 रुपए में, समझना। अब 2 महीने बाद अगर मैं इसको देखूंगा तो इसकी प्राइस तो चेंज हो चुकी होगी, तो मैं अपना फायदा नुकसान तो आज के दिन देखूंगा ना कि यार आज मैंने कितने रुपए दिए और बदले में मैं ये क्या लाया। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि यार मैं 15,000 में ले आया, जबकि एक्चुअली में ये अगर मैं दूसरी जगह पर कहीं जाता तो मान लो 14,000 में मिल रहा था, तो मेरे पास एक्चुअल वर्थ तो 14 ही आई ना, क्योंकि मार्केट में दूसरी जगह पर कितने का था, ये 14 का, लेकिन मैंने क्या पे कर दिया इसके लिए 15। तो मेरा लॉस आज देखोगे या फ्यूचर में देखोगे ले जाकर? आज। तो यानी वन मोर पॉइंट फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन, मुझे अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट के खरीदने का फायदा और नुकसान निकालना है, वो हमेशा किस दिन निकाला जाना है? एट द टाइम ऑफ डेट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। मुझे इसके पहले की डेट से मतलब नहीं है, मुझे इसके आगे से मतलब नहीं है। हमेशा किसी भी चीज को खरीदने का फायदा नुकसान आप उसी दिन देखोगे जिस दिन आपने उसको क्या किया है, एक्वायर किया है। यानी वेन होल्डिंग कंपनी एक्वायर्स इन्वेस्टमेंट व्हेन होल्डिंग कंपनी एक्वायर्स इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी देन प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, अगर मैं दूसरी भाषा में कहूं तो दैट इज गुडविल और कैपिटल रिजर्व विल बी कैलकुलेटेड विल बी कैलकुलेटेड ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट,
आपको जो भी फायदा नुकसान निकालना है वो कब निकालना है, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट. अब एक समस्या आ गई, अगर मुझे डेट ऑफ एक्विजिशन पर फायदा नुकसान निकालना है तो देखो मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो मुझे पता है, बट प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरे पास इस दिन की नेट असेट नहीं होती है. समझो आप नेट असेट निकाल रहे हो बैलेंस शीट अप्रोच से, चाहे वो लाइबिलिटी अप्रोच हो चाहे वो असेट अप्रोच हो. बैलेंस शीट क्वेश्चन में किस दिन की दी हुई होगी आपको, बैलेंस शीट तो यहां पर होगी, या फिर अगर ओपनिंग बैलेंस शीट की बात करूं तो यहां पर होगी. क्या आज तक कभी इस पर डेट पर बैलेंस शीट है आपके पास? नहीं है. लेकिन एक समस्या, मुझे जो नेट असेट निकालनी है वो नेट असेट किस दिन निकालनी है? नेट असेट तो इस दिन चाहिए. आप समझ रहे हो प्रॉफिट लॉस निकाल कैसे रहे? आप जरा अपने कल वाले उस पर जाएं, अपने एक पॉइंट लिखा था कि नेट असेट कैसे निकल रही. हमने एक एंट्री पास की थी, फिक्स असेट अकाउंट डेबिट, करंट असेट अकाउंट डेबिट, याद करें कल जो अपन ने किया था, टू करंट लाइबिलिटीज, फिर उसके बाद टू इन्वेस्टमेंट, और इनका जो गैप आया था वही हमने क्या लिखा था, गुडविल या कैपिटल रिजर्व. अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपने वो जो एंट्री की है ना, वो एंट्री उस दिन होनी चाहिए जिस दिन आपने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स को क्या किया है, खरीदा है, ताकि आप गुडविल और कैपिटल रिजर्व उस दिन कैलकुलेट कर सको जिस दिन आपने शेयर्स एक्वायर किए. देखना मैं वापस से आपको एक छोटे से एग्जांपल से लेके चलता हूं. एग्जांपल देखना, आपको दिया हुआ है होल्डिंग, सब्सिडरी, होल्डिंग और सब्सिडरी. बैलेंस शीट आपको दी हुई है ये ऑन 31 मार्च 18. इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख और 5 लाख. जनरल रिजर्व 4 लाख 2 लाख. पीएनडल 3 लाख. एक लाख 50 हजार. करंट लाइबिलिटीज 18 लाख 50 हजार, 11 लाख. ठीक है यहां तक? हां ये एक बार भी उतार लेना, मैं लिख दूं एक बार, उसके बाद ये उतारना है आपको. फिक्स असेट, हमारे पास फिक्स असेट कितनी है मान लेते हैं, इसकी फिक्स असेट तो है 9,50,000 और इसकी फिक्स असेट है 7 लाख. ठीक है. इन्वेस्टमेंट 80% इन एस, आपने एस लिमिटेड के 80% शेयर खरीद रखे हैं, 7,25,000 यहां डैश. देन आपके पास करंट असेट्स दे रखी हैं, जरा बैलेंसिंग फिगर निकाल कर बताएं. यहां 18,50 आना चाहिए और यहां 11 लाख, यहां पे 1,75 और इधर 4 लाख. ये आपके पास 31 मार्च 2018 की एक बैलेंस शीट दी हुई है, आप इसको उतार लें एक बार.
उतार लिया। देखिए इसके नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है हमें। पॉइंट नंबर वन, शेयर्स वर एक्वायर्ड, शेयर्स वर एक्वायर्ड बाय एच लिमिटेड ऑन 1st अक्टूबर, या इसको 30th सितंबर लिख दो, 30th 2017। शेयर्स किस दिन खरीदे गए हैं? 30/9/2017 पर। सेकंड पॉइंट, बैलेंसेस ऑफ रिजर्व्स, बैलेंसेस ऑफ रिजर्व्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2017 वर एज अंडर। एक अप्रैल 2017 पर बैलेंसेस दिए हुए हैं। जनरल रिजर्व 1 लाख और पीएनडल अकाउंट 50,000। कैलकुलेट, कैलकुलेट गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व फॉर, या बस ठीक है, कैलकुलेट गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। देखिए रूल बिल्कुल ध्यान रखना, गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। अब देखो मैं इसको जरा डेटा यहां पर रखता हूं बिल्कुल ध्यान से कि अब चीज को समझना। अब हम अपनी पहली कैलकुलेशन को पिक्चर में लेकर आ रहे हैं ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप उसी तरह से अब इस कैलकुलेशन को करते चलेंगे। देखिएगा 1 अप्रैल 17 और आपको दिया हुआ है 31 मार्च 18। शेयर्स किस दिन खरीदे? 30/9/17। कितने परसेंट थे? 80%। एक बात दिमाग में बैठा लो, अगर मुझे गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालना है तो मुझे मेरे बिजनेस की नेट असेट इस दिन निकालनी पड़ेगी ताकि मैं ये कंपेयर कर पाऊं कि यार इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने जो पे किया उसके बदले में आज मेरे पास क्या नेट असेट आई, क्योंकि नेट असेट और पेमेंट का जो गैप है वही मेरा फायदा और नुकसान होगा। अब प्रॉब्लम क्या है देखिएगा, मुझे बताओ लाइबिलिटी अप्रोच से नेट असेट जानी है, शेयर कैपिटल इस दिन बैलेंस शीट दी हुई है, बताइए शेयर कैपिटल कितनी है सब्सिडरी की? सब्सिडरी की शेयर कैपिटल तो 5 लाख की शेयर कैपिटल, इसका जनरल रिजर्व 2 लाख और पीएनडल 1.5 लाख। मुझे बताओ क्या आप इस दिन की नेट असेट निकाल सकते हो? नेट असेट आ गई ना, अगर शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस पीएनडल जोड़ूंगा तो ऑटोमेटिकली नेट असेट आ गई। अच्छा अब यहां आ जाओ, शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व एंड पीएनडल बिल्कुल ध्यान से देखना आप, क्या जनरल रिजर्व का 1 तारीख का बैलेंस दिया हुआ है मैंने आपको कितना, यानी इस दिन जनरल रिजर्व 1 लाख था, पीएनडल 50,000 था। नाउ क्या मैंने आपको ड्यूरिंग द ईयर किसी भी प्रकार से शेयर कैपिटल को इश्यू करने की कोई इंफॉर्मेशन दी है? इसका मतलब ये शेयर कैपिटल शुरू से चली आ रही होगी, तो यहां भी शेयर कैपिटल कितनी हो गई? 5 लाख। बोलिए क्लियर यहां तक? बिल्कुल। लेकिन मेरे लिए ये डेटा भी काम का नहीं है क्योंकि शेयर किस दिन खरीदे, तो यानी मुझे इस दिन की नेट असेट चाहिए, मुझे इस दिन की नेट असेट चाहिए। सुनना बिल्कुल ध्यान से, अब
अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई शेयर कैपिटल इश्यू नहीं हुई तो इस दिन की शेयर कैपिटल भी तो 5 लाख ही है, इस दिन की शेयर कैपिटल भी तो शेयर कैपिटल तो 5 लाख आ गई मेरे पास। अब ध्यान से सुनना, जनरल रिजर्व ओपनिंग में कितना था? 1 लाख। क्लोजिंग कितना है? इसका मतलब इस पर्टिकुलर पीरियड में मैंने 1 लाख रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए होंगे। भाई जनरल रिजर्व क्यों बढ़ गया? मैंने 1 लाख रुपए जनरल रिजर्व में क्या किए? ट्रांसफर किए ड्यूरिंग द पीरियड। नाउ अजम्पशन नंबर वन, इफ देयर इज नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वी अज्यूम दैट ट्रांसफर टू रिजर्व आर इवनली थ्रू आउट द पीरियड। अभी लिखेंगे हम, पहले सुनो हमारी अजम्पशन क्या है। अनलेस अदरवाइज मेंशन, जब तक कुछ एडिशनल न बोल दिया जाए, वी अज्यूम ट्रांसफर टू रिजर्व इवनली थ्रू आउट द पीरियड। यानी अगर 12 महीने के दौरान 1 लाख का ट्रांसफर हुआ है तो इस 6 महीने का कितना होगा जनरल रिजर्व? 50,000। तो देखो 1 लाख तो था ही था, अगर उसमें 50 और जोड़ दूं तो क्या यहां का जनरल रिजर्व आ गया? बिल्कुल ध्यान से सुनना, वी अज्यूम ट्रांसफर टू रिजर्व आर इवनली थ्रू आउट द पीरियड। मुझे इस दिन का जनरल रिजर्व चाहिए, तो मैंने बोला 1 लाख तो था ही और यहां से यहां तक कितना ट्रांसफर हुआ? 50,000। क्योंकि अगर 12 महीने का 1 लाख है तो 6 महीने का कितना हुआ? 50। तो यानी यहां पर जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना हो गया? 150। आ जाइए पीएनडल, 50 था कितना हो गया? क्या मतलब हुआ? 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर कमाया गया है, 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर कमाया गया है। अजम्पशन नंबर टू, प्रॉफिट्स आर अर्न इवनली थ्रू आउट द पीरियड। प्रॉफिट्स आर अर्न इवनली थ्रू आउट द पीरियड। हम ये मानेंगे कि ये प्रॉफिट पूरे साल भर इवनली कमाया गया। तो अगर 12 महीने में 1 लाख कमाया तो 6 महीने में कितना कमाया? 50। ओपनिंग कितना था? 50 में 50 और कमा लिया मैंने 6 महीने में, तो कितना आ गया? 1 लाख। बताइए क्या आपके पास इस दिन की नेट असेट आ गई कि नहीं आ गई? आपके पास इस दिन की नेट असेट आ गई। अब क्या नेट असेट में हमारा हिस्सा कितना है? बताइए एक बार, ये नेट असेट कितनी आई? 7.5। इसमें मेरा हिस्सा केवल 80% है। चलिए मैंने इसका इनटू 80% निकाला, कितना आया? यानी मेरे पास उस कंपनी की वर्थ तो कितनी आई? 6 लाख। और मैंने उस कंपनी के इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कितना दिया है? मैंने पैसा कितना दिया? 7,25,000। तो मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया, दैट इज माय लॉस। या मैं इसको ऐसे बोल दूं, दैट इज द पेमेंट फॉर गुडविल। भाई ये एक्स्ट्रा पैसा मैंने क्यों दिया सामने वाली कंपनी को? ये मैंने उसे उसकी गुडविल के लिए क्या किया होगा? पे किया होगा। यानी मैंने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से क्या माइनस कर दिया? शेयर इन नेट असेट माइनस कर दिया। तो ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या आ गया? गुडविल और कैपिटल रिजर्व, या फायदा या नुकसान मेरे पास कैलकुलेट हो गया। तो यानी अगर मैं आपको यह बोलूं बिल्कुल एक बेसिक फंडामेंटल रूल पर कि मैंने गुडविल निकाल दी, 7.25 में मैंने खरीदा, माइनस मेरे पास वर्थ कितनी आई? 6 लाख। तो 1,25,000 की मेरे पास गुडविल आ गई। गुडविल मींस नथिंग, दैट इज एक्स्ट्रा पेमेंट ओवर द नेट असेट। गुडविल इज नथिंग, दैट इज एक्स्ट्रा पेमेंट ओवर द नेट असेट। मेरे पास जितनी नेट असेट की वर्थ आई, मैंने उसके ऊपर जाकर जो पेमेंट किया, दैट विल बी कॉल्ड एज अमाउंट ऑफ गुडविल। बोलिए ये पॉइंट समझ आया?
कुछ अजम्पशन बनी हमारी फॉर द पर्पज ऑफ नेट असेट, कि आपको नेट असेट निकालने के लिए कुछ अजम्पशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। तो अब हम लिख लेते हैं पहले क्या अजम्पशंस ये हमें लेनी है। तो लिखेंगे अजम्पशंस, अजम्पशंस फॉर नेट असेट कह सकते हो आप इसे। फर्स्ट पॉइंट, अनलेस अदरवाइज गिवन, वी अज्यूम दैट प्रॉफिट्स आर अर्न evenly throughout the period, जब तक कुछ और गिवन नहीं होगा। वी अज्यूम हमने जो प्रॉफिट्स कमाए हैं वो थ्रू आउट द पीरियड इवनली कमाए हैं। सेकेंड देखिएगा, अनलेस अदरवाइज गिवन वी अज्यूम दैट ट्रांसफर टू रिजर्व्स दैट ट्रांसफर टू reserves are evenly throughout the period, clear? Second assumption, assumption number 3, ध्यान से आप समझना इस assumption, if opening balance of profit and loss account is not given, then opening balance will assume as nil and hence closing balance assumed to be earned during the year. इस पॉइंट को ध्यान से समझेंगे, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए अब डेटा कुछ इस तरह से है, 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18, आपको यहां पर पीएनडल का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 1 लाख,
बस अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने नीचे लिख के दिया था कि 1 अप्रैल को पीएनडल का बैलेंस इतना है, अब मैंने आपको बैलेंस नहीं लिखा, यानी क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस नहीं है, कोई ओपनिंग बैलेंस आपको नहीं दे रखा। तो नाउ अवर अजम्पशन इज, हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या है? निल है, यानी ओपनिंग बैलेंस को क्या ज्यूम करोगे? जीरो। और ये माना जाएगा कि ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये हमने इस पूरे साल के दौरान कमाया है। ओपनिंग बैलेंस विल बी अज्यूम्ड एज निल, और हम ये मानेंगे कि जो ये क्लोजिंग बैलेंस है इट विल बी अर्न, हमने इसको क्या किया, इसे हमने पूरे साल भर के दौरान कमाया है। इसको ऐसे लिख लो, क्लोजिंग बैलेंस वर अज्यूम्ड, ऐसे रहने दो, बोलो क्लियर यहां तक? बिल्कुल, दैट इज योर अजम्पशन नंबर 3। अगर दोनों के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं तब तो हम ये मानते हैं कि हमने इवनली, मानेंगे तो इसको भी यही, हमने ये जो 1 लाख रुपए कमाए ड्यूरिंग द पीरियड वो कमाए तो क्या है, इवनली ही कमाए हैं। बस ये ध्यान रखना है हम ओपनिंग बैलेंस को क्या मानेंगे, निल मानेंगे, और ये मानो कि सारा का सारा प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड कमाया गया। बोली क्लियर अजम्पशन? अजम्पशन नंबर 4, इफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ एनी रिजर्व्स इज नॉट गिवन, देन अज्यूम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व एज ओपनिंग बैलेंस। रिजर्व्स पर अजम्पशन अलग है, रिजर्व्स में निल अज्यूम नहीं करते हो आप। देखिएगा 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18 जनरल रिजर्व दे रखा है 2 लाख। आपको यहां पर जनरल रिजर्व नहीं दिया हुआ है, नो ओपनिंग बैलेंस इज गिवन इन रेस्पेक्ट ऑफ रिजर्व्स। अब इसको जीरो अज्यूम नहीं करना है, अज्यूम क्या करना है, ये जो 2 लाख का जनरल रिजर्व है ये बिगनिंग से चला आ रहा है, यानी ड्यूरिंग द ईयर हमारा जनरल रिजर्व में कोई चेंज नहीं हुआ। वी अज्यूम ये जो क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख है ये क्लोजिंग बैलेंस कहां से चला आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस से चला आ रहा है। पीएनडल में तो अजम्पशन क्या है, ओपनिंग बैलेंस को जीरो मान लेना और ये मानना कि हमने एंटायर प्रॉफिट जो अर्न किया है वो ड्यूरिंग द पीरियड किया है। लेकिन रिजर्व्स के केस में अजम्पशन चेंज हो जाएगी, चाहे वो कोई सा भी रिजर्व हो, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, एनी अदर रिजर्व, अगर आपको ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है तो हमेशा क्या अज्यूम करोगे कि जो क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है वो ओपनिंग से आपका चला आ रहा है, यानी ड्यूरिंग द पीरियड आपका रिजर्व में कोई भी अमाउंट ट्रांसफर नहीं हुआ। क्योंकि रिजर्व्स को हम अज्यूम करते हैं कि जरूरी नहीं है, देखो प्रॉफिट तो ड्यूरिंग द ईयर कमाया हुआ माना जाता है भाई। समझो अगर मान लो मेरा पिछले साल कोई प्रॉफिट नहीं था, इस साल बढ़ गया, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने इस साल कुछ नहीं कमाया, ये तो सब पिछली कमाई थी। मैं जनरली क्या मानता हूं कि कमाई इसी बार है। लेकिन अगर रिजर्व्स के बैलेंसेस चल रहे हैं तो जरूरी नहीं है ना कि आप हर बार रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करो ही करो। कंपनी को लगता है तो वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी, नहीं लगता तो एज इट इज। तो ये अजम्पशंस ली गई है हमारे इंस्टीट्यूट्स के द्वारा कि आपको इन्हीं अजम्पशंस को लेते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और अजम्पशन नंबर 5,
फिक्टिशियस असेट को लेकर अगर उसका भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिक्टिशियस असेट्स आर नॉट गिवन are not given then closing balance of वो भी सेम assumption है जो closing balance of फिक्टिशियस ओपनिंग बैलेंस है. दीज आर द फाइव अजम्पशंस इन रेस्पेक्ट ऑफ नेट असेट. भाई नेट असेट के हमारे पास तीन ही पार्ट हैं, एक शेयर कैपिटल का हिस्सा, एक रिजर्व एंड सरप्लस का हिस्सा और एक फिक्टिशियस. तो रिजर्व्स और फिक्टिशियस को लेकर जो अजम्पशन थी मैंने आपको बता दी कि आपको ध्यान रखना है, एक तो इवनली थ्रू आउट द पीरियड वाली अजम्पशन. अगर ओपनिंग बैलेंसेस नहीं है तो पीएनडल को अज्यूम करोगे जीरो. पीएनडल तो क्या अज्यूम होगा आपका, जीरो. और रिजर्व्स ये माना जाएगा कि जो क्लोजिंग बैलेंस है वही कहां से चला आ रहा है आपका, ओपनिंग से चला आ रहा है. और यही चीज आप फिक्टिशियस असेट्स में भी अज्यूम करोगे. तो हमारे पास इस तरह से नेट असेट निकल जाएगी. नाउ देखिएगा पॉइंट नंबर 10, एक और पॉइंट समझेंगे. देखिएगा 1 अप्रैल 17 से लेकर आपको 31 मार्च 18 की बैलेंस शीट दी हुई है. देखना आपने 30/9/2017 को क्या खरीदे हैं, शेयर्स एक्वायर किए. मुझे एक बात बताएं, आप जिस दिन उस कंपनी में शेयर होल्डर बन रहे हो यानी आपने कंट्रोल लिया, क्या उससे पहले कंपनी ने जो कमाया उस पर आपका अधिकार है क्या? बहुत सिंपल सी बात सोचो, मैंने शेयर कितने कब खरीदे, 30/9 को. इससे पहले ये शेयर मेरे पास नहीं थे, तो क्या आपको लगता है इस दौरान या इससे पहले कंपनी ने जो भी कमाया उस पर आपका राइट है? आपका राइट किसी भी चीज पर कब आएगा, जब आप उस चीज को खरीद लोगे तभी आपके पास राइट होगा ना. यानी आपके पास चाहे कंपनी के रिजर्व्स हो चाहे कंपनी के प्रॉफिट्स हो, आपके पास जो राइट आएगा वो राइट इस डेट के बाद ही आएगा. लेकिन एक समस्या क्या है, कंपनी में अब आप शेयर होल्डर बन गए तो आगे से आपका नाम कंपनी के मेंबर्स रजिस्टर में आ गया, तो अब इन फ्यूचर जितने भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स बैलेंसेस हैं उन सब में आपको राइट मिल गया, नहीं मिला? मान लो इस डेट के बाद कंपनी कोई डिविडेंड देती है तो क्या आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस डेट के बाद कंपनी अपने पुराने प्रॉफिट्स में से बोनस शेयर इश्यू करती है, आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा. क्यों? क्योंकि आप इस दिन कंपनी के क्या बन चुके हो, शेयर होल्डर बन चुके हो. लेकिन प्रैक्टिकली वो गलत है कि नहीं है? आपको तो वही हिस्सा मिलना चाहिए जो इस दिन के बाद कंपनी ने कमाया.
इससे पहले कंपनी ने जो कमाया उन प्रॉफिट्स या उन रिजर्व्स पर आपका अधिकार नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से समझना, AS21 क्या बोलता है कि हम अपने इस टोटल पीरियड को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। ध्यान से सुनना, एक पार्ट वो जो आपके शेयर्स एक्वायर करने के दिन तक का है, और एक पार्ट वो जो शेयर्स एक्वायर करने के बाद का है, और इनकी एक डेफिनेशन या नाम डाला गया। ध्यान से देखना, यहां से लेकर यहां तक, अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर, इसे बोला गया प्री एक्विजिशन पीरियड। शेयर्स एक्वायर करने से पहले का पीरियड, और प्री पीरियड भी बोल देता हूं बस, में क्या प्री पीरियड। इस दौरान जितने भी प्रॉफिट्स और रिजर्व्स कमाए गए उन सबको डिफाइन किया गया प्री प्रॉफिट्स के नाम से। भाई प्री पीरियड में अर्न किए गए प्रॉफिट्स को डिफाइन कैसे किया गया? प्री प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स अर्न, ड्यूरिंग दिस पीरियड, पीरियड इज नोन एज प्री प्रॉफिट्स। ऑब्लिक कैपिटल प्रॉफिट्स। ये सारी टर्म्स याद रखना, आगे हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो इन्हीं टर्म्स को यूज करेंगे। अब अगर मैं कभी भी आपको बोलूं प्री प्रॉफिट्स निकालो या प्री पीरियड ढूंढो, तो प्री प्रॉफिट्स या प्री पीरियड का मतलब हो गया अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। अगर मैं वहां तक के प्रॉफिट निकाल रहा हूं या वहां तक के पीरियड की कंसीडर करने की बात कर रहा हूं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज प्री एक्विजिशन पीरियड। और इसके बाद वाला ये जो पीरियड है, दैट विल बी कॉल्ड एज पोस्ट एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन पीरियड और पोस्ट पीरियड। प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग दिस पीरियड इज नोन एज पोस्ट प्रॉफिट्स या रेवेन्यू प्रॉफिट्स, नोन एज पोस्ट प्रॉफिट्स और रेवेन्यू प्रॉफिट्स। रेवेन्यू प्रॉफिट्स ये लीजिए। तो ये एक और नई चीज है, यानी अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इस पीरियड को क्या बोला जाएगा? प्री एक्विजिशन, यानी शेयर्स एक्वायर करने से पहले का पीरियड, और इस पीरियड को बोला जाएगा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। और इस दौरान जितने भी प्रॉफिट्स चल रहे थे दैट विल बी कॉल्ड एज प्री प्रॉफिट्स और कैपिटल प्रॉफिट्स, एंड इस दौरान जो भी प्रॉफिट्स आए दीज प्रॉफिट्स आर कॉल्ड एज पोस्ट प्रॉफिट्स और रेवेन्यू प्रॉफिट्स। पोस्ट प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू प्रॉफिट्स।
बोलिए ये टर्म भी क्लियर कि अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट्स दिए गए हैं तो वी हैव टू सेग्रीगेट देम इन टू पार्ट्स, अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल डेट ऑफ कंसोलिडेशन, इनको प्री और इनको क्या बोल दिया जाएगा पोस्ट। प्री एंड पोस्ट, देखिएगा मान लेते हैं थोड़ा सा, फिर मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल शॉर्ट में, शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड ऑन 31 मार्च 18 6 लाख रुपए, बैलेंसेस ऑफ रिजर्व्स ऑन 31/3/18, जनरल रिजर्व 2 लाख, पीएनएल अकाउंट 1/20, बैलेंसेस ऑफ रिजर्व्स ऑन 1 अप्रैल 2017, जनरल रिजर्व 80,000, पीएनएल 80% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड वर परचेज्ड बाय एच लिमिटेड ऑन 31/12/17 को शेयर्स परचेस किए गए। कैलकुलेट गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व, कैलकुलेट गुडविल ऑब्लिक रिजर्व। अच्छा 80% शेयर्स वर परचेस्ड ऑन 31/12/17 एट रुपीज 6,75,000, इतने में खरीदे थे हमने। आपको क्या निकालना है कि इन शेयर्स को खरीदने पर आपको क्या फायदा या नुकसान हुआ, यानी गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व निकाल के बताएं।
11,000 का कैपिटल रिजर्व, देखते हैं। एक अप्रैल 17, 31 मार्च 18, 31/12/17 देखिएगा, जनरल रिजर्व 80,000 है और पीएनडल 60 है। यहां पर जनरल रिजर्व ईयर एंड में कितना है? 2,00,000 और पीएनडल 1,20,000। समझना, तो मुझे इस दिन बैलेंसेस चाहिए। बिल्कुल ध्यान से देखो, 80 से बढ़ के 2,00,000 हो गया तो ड्यूरिंग द ईयर कितना ट्रांसफर हुआ है? 1,20,000 12 महीने के दौरान। तो यहां तक कितने महीने हुए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अगर साल भर का 1,20,000 है तो 9 महीने का कितना हुआ? 90,000। तो 80 तो ये था और 90 ये हो गया, तो यानी 1,70,000 तो मेरे पास इस दिन का जनरल रिजर्व आ गया। 60 तो ये, 80 तो ये था ही, और यहां से वहां तक 90 और कमाया मैंने। इधर आओ पीएनडल में, यहां से वहां तक 60 कमाया, तो ये 60,000 12 महीने का है तो 9 महीने का कितना हुआ? 45,000। तो 60 + 45 कितना हो गया? 1,500। पहले बताओ ये चीज आ गई क्या समझ में? बोलो ये आ गया क्या समझ में? क्लियर? बिल्कुल। इसको मैं इस तरह से नहीं करूंगा, धीरे धीरे मैं आपको प्रेजेंटेशन दूंगा और, बट एक बार थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हैं कि अपन करना क्या चाह रहे हैं बस। और शेयर कैपिटल में ड्यूरिंग द पीरियड कोई चेंज नहीं है, तो शेयर कैपिटल कितनी है? 6,00,000। तो यहां भी 6,00,000 ही रहेगी। बताओ इस दिन की नेट असेट कितनी आ गई? 8,75,000। मैंने कितने परसेंट शेयर लिए हैं? इंटू 80% हिस्सा। तो बताओ मुझे क्या वर्थ मिल गई? 7,00,000। ये मेरा शेयर इन नेट असेट आ गया। इस नेट असेट को लेने के लिए मैंने पेमेंट कितना किया? तो 6,75,000 का पेमेंट किया, बदले में मुझे 7,00,000 की वर्थ मिल गई। मेरा फायदा के नुकसान? तो फायदा है तो इट विल बी शोन एज कैपिटल रिजर्व, नुकसान था तो दिस विल बी कॉल्ड एज गुडविल, क्योंकि मैंने उसे एक्स्ट्रा पेमेंट किया, तो वो जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया दैट इज फॉर गुडविल। और अगर मुझे फायदा हो गया तो दैट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल रिजर्व। तो मेरे पास कैपिटल रिजर्व आ गया, कैपिटल रिजर्व 7,00,000 माइनस 6,75,000, तो कितना आ गया? 25,000 का कैपिटल रिजर्व। आप ध्यान से देखें, हम अपने रिजर्व्स की एक कैलकुलेशन दिखाते चल रहे हैं बस। शेयर कैपिटल तो ड्यूरिंग द ईयर सेम चली आ रही है, हमें जो एक मेजर कैलकुलेशन करनी पड़ रही है वो किसकी करनी पड़ रही है? रिजर्व्स को लेकर, कि मुझे रिजर्व्स के बैलेंसेस किस दिन चाहिए? उस दिन चाहिए जिस दिन मैंने उस कंपनी के शेयर्स को क्या किया? एक्वायर किया। बोलिए यहां तक बिल्कुल क्लियर है ये चीज? टर्म्स समझते चलें, कैलकुलेशंस धीरे धीरे मैं चेंज करूंगा। यानी ये जैसे अपन जो ये निकाल रहे हैं, ये सामने वाले को प्रेजेंट करके बताएंगे, यार हमने 80 में ये 1,70,000 पहुंचाने के लिए क्या किया? हमने 90,000 प्लस किए, या हमने 60 से 1,05,000 पर पहुंचने के लिए क्या किया? 45,000 प्लस किए। तो इसका एक वर्किंग नोट हमें आगे, अब उसको हम दिखाएंगे, ठीक है? देखिएगा, मैंने आपको यह बोला था कि अगर मुझे नेट असेट निकालनी है तो मेरे पास नेट असेट की दो अप्रोच हैं। एक असेट माइनस लाइबिलिटी अप्रोच, सॉरी असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, जो असेट अप्रोच से हम चल रहे हैं, और दूसरी हमारी कैपिटल अप्रोच,
कि जिसमें हम शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लसेस माइनस फिक्टिशियस असेट करते हैं। और मैंने कहा था कि आगे के फ्यूचर रेफरेंस में हमें क्या करना है, इसी तरीके से नेट असेट निकालनी है, यानी इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस असेट। यानी देखना, हम जो नेट असेट निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स और माइनस फिक्टिशियस असेट्स। हम इस अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। नाउ अब मैं क्या आपको बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे अपने नेक्स्ट फर्दर के लिए, इन दो फैक्टर को लेकर एक सेपरेट वर्किंग नोट बना दिया जाएगा। शेयर कैपिटल को छोड़ दो, वो एज इट इज चलेगी, हम उसी तरह से बात करेंगे। और रिजर्व्स माइनस ये जो फिक्टिशियस, यानी क्वेश्चन में आपको जितने भी रिजर्व्स एंड सरप्लस दिए हुए हैं प्लस जितनी भी फिक्टिशियस असेट्स दी हुई हैं, इन सबको मिलाकर हम एक वर्किंग में ले जाएंगे। दैट विल बी कॉल्ड एज एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स। दैट विल बी कॉल्ड एओपी। हमारे प्रॉफिट्स और फिक्टिशियस असेट्स के लिए हम एक वर्किंग चेंज कर देंगे। क्यों करना पड़ रहा है, देखिए क्या होता है, जनरली जो शेयर कैपिटल है ना वो तो थ्रू आउट द पीरियड क्या रहती है आपकी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन इन बिटवीन द ईयर हमारे रिजर्व्स में, हमारे पीएनएल में कई बातों की वजह से चेंज हो जाता है, तो हमें हर उस चेंज का इंपैक्ट चूंकि डालना पड़ेगा, तो हम अपने रिजर्व्स एंड फिक्टिशियस असेट को लेकर एक प्रॉपर एक वर्किंग नोट पर आ जाएंगे, विच इज कॉल्ड एज एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स या एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट रिप्रेजेंट प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। ऑफ सब्सिडरी कंपनी। दीज प्रॉफिट्स कैन बी सब डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। ये जो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट है ये रिप्रेजेंट करेगा सब्सिडरी कंपनी के सभी प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स को, एंड दीज प्रॉफिट्स कैन बी सब डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, ए कैपिटल ऑब्लिक प्री प्रॉफिट्स, कैपिटल ऑब्लिक प्री प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स अप
टू डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बाय होल्डिंग कंपनी हमारा जो पहला प्रॉफिट बनेगा यानी टू पार्ट्स में जब उसको कैटेगराइज करेंगे तो पहले पार्ट को बोला जाएगा कैपिटल ऑब्लिक प्री प्रॉफिट्स यानी प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बाय द होल्डिंग कंपनी एंड बी पार्ट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू ऑब्लिक पोस्ट प्रॉफिट्स इसमें आएंगे हमारे पास प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बाय होल्डिंग कंपनी देखेंगे एक बार वापस से फटाफट से. देखिए मैंने आपको यह बताया था नेट एसेट निकालने के लिए आपको इस अप्रोच को फॉलो करना है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस की अप्रोच को. अब देखिए क्या होता है सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल तो जनरली कांस्टेंट रहती है बहुत रेयरली उनमें बार बार चेंज होगा लेकिन पीएनएल और रिजर्व्स में ड्यूरिंग द ईयर कई रीजंस से चेंज हो जाता है. बहुत सारे ऐसे रीजन होंगे जिसकी वजह से आपके पीएनएल में या रिजर्व्स में क्या आएगा चेंज आएगा. फॉर एग्जाम्पल हम छोटी मत कुछ बातें करें जैसे मान लो आपने बिजनेस में अचानक से कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी हो गई मान लो बिजनेस में लॉस बाय फायर हो गया इसका इंपैक्ट पीएनएल पर आ जाएगा. मान लीजिए आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई बोनस इशू किया रिजर्व्स पर इंपैक्ट आ जाएगा कोई डिविडेंड पे किया पीएनएल या रिजर्व्स पर इंपैक्ट आ जाएगा. यानी कई प्रकार के ऐसे ट्रांजेक्शन इन बिटवीन द पीरियड होते हैं जिनकी वजह से रिजर्व्स में चेंज आ जाता है. तो हम उन सभी रिजर्व्स एज वेल एज फिक्टिशियस असेट को एक सेपरेट वर्किंग में डालेंगे अब से. यानी जो हम अभी तक कर रहे थे अभी तक तो हम सिंपली निकालते चल रहे थे और माइनस कर रहे थे. नाउ अब हम एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन देंगे और उसके लिए एक वर्किंग बना दी जाएगी विच इज कॉल्ड एज एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट. एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट क्या रिप्रेजेंट करेगा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट रिप्रेजेंट द प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी. दीज प्रॉफिट्स कैन बी सब डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. वन इज कॉल्ड एज कैपिटल ऑब्लिक प्री प्रॉफिट्स यानी सब्सिडरी कंपनी के ऐसे प्रॉफिट्स जो कि उसने कमाए हैं कब तक जब होल्डिंग कंपनी ने उसके शेयर्स को एक्वायर किया उन प्रॉफिट्स को कैपिटल प्रॉफिट्स या प्री प्रॉफिट्स बोला जाएगा और शेयर्स एक्वायर करने के बाद जो कमाए गए उन्हें बोला जाएगा रेवेन्यू प्रॉफिट्स या पोस्ट. देखिएगा मेरा कहने का मतलब क्या है. जैसे मान लीजिए यह है 1 अप्रैल 17 से हमारे पास 31 मार्च 18 30 सितंबर 17 शेयर्स परचेस्ड बाय होल्डिंग कंपनी 75%. तो देखिएगा यहां तक के जो प्रॉफिट्स हैं अप टू दिस डेट कंपनी ने जो भी कमाया वो सब किस हेडिंग में चला जाएगा कैपिटल प्रॉफिट्स. वाई दीज प्रॉफिट्स आर कॉल्ड एज कैपिटल प्रॉफिट्स. देखिए क्या होता है
आपने किसी कंपनी के शेयर्स 30 नौ को खरीदे, तो आपके ऊपर जो एंटाइटलमेंट है ना उस कंपनी के प्रॉफिट्स का, वो 30 नौ के बाद ही होता है, 30 नौ से पहले नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने एक कंपनी के शेयर खरीदे हैं इनसे, ताकि मेरे पास कंट्रोल आ जाए 30 नौ को। आपको क्या लगता है 30 नौ तक कंपनी ने जो भी प्रॉफिट कमाए होंगे उन पर किसका अधिकार है, मेरा के इनका? इनका, क्योंकि 30 नौ तक शेयर किसके पास थे? इनके पास। लेकिन अब 30 नौ को ये शेयर्स मैंने खरीद लिए, तो अब कंपनी जब भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो प्रॉफिट तो मुझे मिलेगा। तो वो प्रॉफिट्स जिन पर मेरा राइट नहीं है लेकिन मिल मुझे जाएंगे, उन प्रॉफिट्स को बोला जाता है कैपिटल प्रॉफिट्स। जानते हो ये प्रॉफिट जिनका, जिन पर अधिकार किसको है? इनको है। तो जब ये मुझे अपने इन्वेस्टमेंट बेचेंगी ना, तो ये मेरे से इन्वेस्टमेंट में उसके लिए भी कुछ हिस्सा ले लेती है। एक सीधी सी बात है, ये चीज इनको भी पता है कि अब ईयर एंड पर कंपनी इनको जो पेमेंट मिलने वाला था डिविडेंड के रूप में, अर्निंग्स के रूप में, वो इनको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब वो शेयर किसने खरीद लिए? मैंने खरीद लिए। तो मैं ये बोलूंगा कि भैया ये प्रॉफिट्स क्या कहला रहे हैं? मेरे द्वारा शेयर्स खरीदे जाने से पहले के हैं, तो इनको क्या बोला जाएगा? कैपिटल प्रॉफिट्स। इनका बिल्कुल डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा। एंड अब बताइए, मैंने आज शेयर खरीद लिए, अब शेयर खरीदने के बाद जो भी कंपनी कमाएगी उसमें मेरा अधिकार आ गया कि नहीं आ गया? तो दिस विल बी कॉल्ड एज नॉर्मल रेवेन्यू प्रॉफिट्स, दैट विल बी कॉल्ड रेवेन्यू प्रॉफिट्स। तो हमें सबसे पहले सब्सिडरी कंपनी के रिजर्व्स की कैटेगरी बनानी पड़ेगी। एक कैटेगरी बनेगी कैपिटल प्रॉफिट या प्री प्रॉफिट, जिसका मतलब है प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, एंड आफ्टर एक्विजिशन ऑफ शेयर्स जो भी प्रॉफिट सब्सिडरी ने कमाए उन प्रॉफिट्स को हम क्या बोलेंगे? उन प्रॉफिट्स को रेवेन्यू प्रॉफिट्स या पोस्ट प्रॉफिट्स बोला जाएगा। इनको सेग्रीगेट करना होता है आपको। क्लियर? बिल्कुल। और इसके वर्किंग नोट को हम बोलते हैं एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। देखिएगा कैसे। एग्जाम्पल, लॉस अगर रिजर्व्स और फिक्टिशियस इंक्लूड्स ऑल टाइप्स। भाई अगर पीएनडल का नेगेटिव बैलेंस है तो वो भी तो रिजर्व का ही पार्ट है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी आपकी। देखिएगा एक एग्जाम्पल, आपको ईयर दिया हुआ है 17-18, एक अप्रैल 17 यानी 31 मार्च 18, शेयर कैपिटल दी हुई है ऑफ सब्सिडरी कंपनी, शेयर कैपिटल 8 लाख। पीएनडल अकाउंट, पीएनडल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 80,000 और बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 2 लाख। जनरल रिजर्व 50,000 और 1,50,000। कैपिटल रिजर्व 30,000। देन फिक्टिशियस असेट्स 10,000। शेयर्स वर एक्वायर्ड 1st October 17। शेयर्स वर एक्वायर्ड ऑन 1st October 17। कैलकुलेट
कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट, कैलकुलेट कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट्स। मुझे कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हैं। और लें एग्जाम्पल, इस तरह से डेटा आपको दिया हुआ है, सिंपली हमें वर्किंग नोट बनाना सीखना है। और माइंड में बस एक ही चीज रखो, कैपिटल प्रॉफिट का मतलब है उस दिन तक के प्रॉफिट्स जिस दिन शेयर्स एक्वायर किए गए हैं। तो मुझे बताओ यहां शेयर्स किस दिन खरीदे गए हैं? 1/10/17, यानी 1/10/17 तक जो भी सब्सिडरी ने कमाया वो सब कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट बनेगा, और उसके बाद जो कमाया वो सारा रेवेन्यू या पोस्ट प्रॉफिट का पार्ट बनेगा। नाउ हाउ टू प्रेजेंट दीज इंफॉर्मेशन अंडर दी वर्किंग नोट, तो देखिएगा, लिख लिया सबने एग्जाम्पल। चल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर मैंने एक कॉलम बना दिया कैपिटल का, एक कॉलम बना दिया रेवेन्यू। रेवेन्यू में मेरे पास जितने तरह के रिजर्व्स का में चेंज आता है मुझे उनके सेपरेट सेपरेट दिखाना पड़ता है, क्योंकि रिजर्व समझिए, जैसे एक तो पीएनडल है मेरे पास और एक जनरल रिजर्व है, मैंने अलग अलग दिखा दिया। क्यों दिखाया? देखो, क्योंकि इन दोनों के बैलेंसेज में ओपनिंग से क्लोजिंग के दौरान कोई चेंज हुआ है, ओपनिंग से क्लोजिंग के दौरान क्या आया? चेंज आया। तो जिन जिन रिजर्व्स में चेंज की इंफॉर्मेशन है मैं उनके सेपरेट कॉलम प्रिपेयर करूंगा। बिल्कुल धीरे धीरे, अब एक बार आराम से समझो। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले हम बात करते हैं पी एंड एल अकाउंट पर। क्या आपको पी एंड एल का कोई ऐसा अमाउंट नजर आ रहा है जो 100% आप बता पा रहे हो कि वो 1/10 से पहले का है? देखो इधर, आपके पास पी एंड एल के दो बैलेंस दिए हुए हैं। माई क्वेश्चन इज, इनमें से वो अमाउंट जो 1/10 से पहले का आपको दिखाई दे रहा है, अगर ये बैलेंस 1 अप्रैल को है तो क्या ये 1/10 से पहले का हुआ है? तो ये तो 100% कैपिटल प्रॉफिट है कि नहीं है? है, इसको तुरंत कैपिटल प्रॉफिट में डाल दो। तो मैंने कहा भैया पीएनडल का ये बैलेंस 80,000 मुझे पता है कि कैपिटल है। बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस क्या दे रखा है? 2 लाख। मुझे बताओ क्या क्लोजिंग बैलेंस ऑलवेज इंक्लूड्स ओपनिंग बैलेंस? पीएनडल के जो क्लोजिंग बैलेंस आते हैं क्या वो ओपनिंग को इंक्लूड करके आए होंगे? यानी मैं ये मानता हूं कि ये 2 लाख मेरा टोटल बैलेंस है जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में है। तो इसका मतलब ड्यूरिंग द पीरियड मैंने क्या प्रॉफिट कमाया? 1/20। मैंने उस 1/20 को रेवेन्यू नेचर में डाल दिया। बिल्कुल, जो क्वेश्चन का गिवन डेटा है, एक एक चीज के प्रेजेंटेशन और लॉजिक को देखते चले। नाउ सुनेंगे ध्यान से, जनरल रिजर्व, क्या जनरल रिजर्व के किसी बैलेंस को 1/10 से पहले का बोल पा रहे हो आप? क्या ऐसा कोई बैलेंस है जो 1/10 से पहले का है? कितना? तो लीजिए, ये आ गया 50,000। टोटल कितना दे रखा है? 1.5 लाख। इसका मतलब इन बिटवीन द पीरियड चेंज कितना आ गया? 1 लाख। वो मैंने वहां लिख दिया। क्या और कोई रिजर्व दे रखा है? कैपिटल रिजर्व। मुझे बताएं कैपिटल रिजर्व का ओपनिंग दिया हुआ है क्या? नहीं। टोटल में क्या दिया हुआ है? 30। नाउ अजम्पशन, मैंने आपको लिखवाया था अगर किसी भी रिजर्व का
ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखा है तो आप अज्यूम करोगे जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ओपनिंग से चला आ रहा है। तो इसका मतलब ये 30 1 अप्रैल से चला आ रहा है, और अगर ये 1 अप्रैल से चला आ रहा है तो मुझे पता है कि वो यहां आएगा, क्योंकि अगर 1 अप्रैल का बैलेंस है तो वो तो 1 10 से पहले का ही है। क्लियर बिल्कुल यहां तक? चलिए, उसके बाद इसने एक और आइटम दे रखा है, फिक्टिशियस असेट। ये हमारे रिजर्व्स को कम करेंगी, कितने से? कितनी है फिक्टिशियस असेट? 10,000 नेगेटिव। बताइए, इस पर भी एक अजम्पशन थी, केवल क्लोजिंग दे रखा है तो इट मींस ये भी ओपनिंग से चली आ रही होंगी फिक्टिशियस असेट, ड्यूरिंग द पीरियड की नहीं होती है ये भी, तो इसको भी कहां लिखूंगा? मैंने ओपनिंग में डाल दिया। बोलिए, ये जो लिखने का तरीका है वो समझ आ गया आपको? मैंने सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस उठाए क्योंकि वो श्योर थे कि वो 1 10 से पहले के हैं, और बाकी सबको मैंने अपने रेवेन्यू के कॉलम में डाल दिया। अब एक बार यहां पर टोटल लगा दें, कितना कितना टोटल आया? एक लाख 50,000, 1 20 और 1 लाख। बोलो, क्लियर बिल्कुल यहां तक? मुझे बात बताओ, आपके कैपिटल के कॉलम में किस डेट तक आना चाहिए? क्या ये 1 10 17 तक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये कॉलम? लेकिन क्या ये कॉलम अभी कहां पर खड़ा है? ये तो 1 अप्रैल है, इसमें तो मैंने केवल कौन से बैलेंसेस लिखे? केवल 1 अप्रैल। नाउ मुझे 1 अप्रैल के बैलेंस को आगे बढ़ाना है, कहां तक ले जाना है? 1 10 तक, सुनना, यानी 6 महीने आगे। नाउ द अजम्पशन नंबर 2, सुनोगे इधर बिल्कुल ध्यान से, ये 1 20 आपने पूरे 12 महीने के दौरान कमाए, तो इसका मतलब 6 महीने के दौरान कितना कमाया होगा? 60,000। क्या ये 60,000 इस कॉलम में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना, मैंने तो गलत लिख रखा है, तो इसको मैं दोबारा से अब करेक्ट करूंगा ताकि अब मुझे ये पता लग जाए कि 1 10 तक मेरे पास क्या क्या था। वापस से देखना, आप इस बात से एग्री कर रहे हैं इस कॉलम में 1 10 तक के सारे अमाउंट आने चाहिए, क्योंकि कैपिटल का मतलब है उस डेट तक जब आपने शेयर्स खरीदे हैं। अभी मैंने जो लिखा वो 1 अप्रैल का लिखा केवल। अगर 1 अप्रैल के बैलेंसेस में 6 महीने के बैलेंसेस ऐड कर दूं तो क्या 1 10 तक पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा? तो मैं बोल रहा हूं वो 6 महीने के बैलेंसेस निकालो आप। तो देखो, मैं ये बोल रहा हूं अभी इस समय ये P&L पूरे 12 महीने का है, जबकि इस कॉलम में कहां से कहां तक का होना चाहिए केवल 1 10 से 31 मार्च तक, यानी आगे के 6 महीने का। और हम ऑलरेडी ये अजम्पशन लिख चुके हैं कि इवनली एक्रू मानते हैं हम, तो अगर पूरे 12 महीने के दौरान 1 20 कमाए तो 6 महीने के दौरान क्या कमाया? 60,000। तो मैं तुरंत 60,000 यहां से हटाऊंगा और वो 60,000 कहां लिख दूंगा? यहां लिख दूंगा। इसको बोला जाता है टाइम एडजस्टमेंट। क्या बोला जाता है इसे? टाइम एडजस्टमेंट। क्या आपको लगता है ये रिजर्व्स भी गलत है? ये रिजर्व्स भी तो, ये वाले 1 लाख कहां से कहां तक के हैं? पूरे साल भर के, जबकि इस कॉलम में कितने रहने चाहिए? 6 महीने के। तो यहां से 6 महीने हटाऊं और कहां ले जाना चाहिए मुझे? पीछे। तो ये लीजिए, यहां से 50 हटाया और कहां ले गया? यहां पर ले गया। वापस से बताएं क्या बैलेंसेस आया? 2,60,000, 60,000 और 50। अब आप मुझे बताइए, क्या इस कॉलम में 1 10 तक के सारे प्रॉफिट पहुंच गए? अब देखो ध्यान से बिल्कुल, 1 अप्रैल के तो थे ही थे, और 1 अप्रैल से 30 सितंबर के दौरान ये 2 चेंजेस आए, मैंने इन दोनों को भी लिख दिया, तो इसका मतलब ये बैलेंस अब कहां तक पहुंच गया? 1 10 तक।
और ये बैलेंस अभी तक था 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, उसमें से 6 महीने शिफ्ट कर दिया, तो यहां पर भी तो अब केवल क्या बचा, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक। दिस विल बी कॉल्ड एज अवर एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। अब जानते हो मेरे इस कॉलम का ये जो टोटल है दैट विल रिप्रेजेंट टोटल कैपिटल प्रॉफिट, और अब आगे के ये जो दोनों कॉलम है ये मेरे बिल्कुल एक प्रॉपर क्या बताते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें एक और नई टर्म आई आपके पास, टाइम एडजस्टमेंट नोट। टाइम एडजस्टमेंट मींस शिफ्टिंग शिफ्टिंग ऑफ प्रॉफिट्स और रिजर्व्स फ्रॉम रेवेन्यू टू कैपिटल। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज अकॉर्डिंग टू टाइम प्रपोर्शन, कैपिटल अकॉर्डिंग टू टाइम प्रपोर्शन। दिस इज द मीनिंग ऑफ टाइम एडजस्टमेंट, दिस इज द मीनिंग ऑफ टाइम एडजस्टमेंट। अकॉर्डिंग टू टाइम प्रपोर्शन आपको क्या करना है, शिफ्टिंग करनी है बस केवल। अब ये जो प्रॉफिट आए इसमें दो लोगों का अधिकार है। मैंने अगर मान लो कितने परसेंट शेयर खरीदे थे, मान लो मैं ये बोलूं कि मैंने इस कंपनी के 70% शेयर खरीदे थे, तो इन प्रॉफिट का 70% तो मेरा है और 30% MI माइनॉरिटी इंटरेस्ट। भाई बेसिकली ये जो कैपिटल और रिजर्व्स हैं ये नेट असेट का ही तो हिस्सा है, और नेट असेट का बाइफिकेशन मैंने दो बताया था, एक ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय मी जो मेरे इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो गया, और एक कंट्रोल बाय मी बट ओन्ड बाय द अदर्स विच इज कॉल्ड एज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो बोलिए ये एओपी का थोड़ा ट्रीटमेंट समझ आया कैसे हमने इसको बनाया। एग्जाम्पल ईयर 2017-18 1 अप्रैल 17 और 31 मार्च 18 शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड 8 लाख, जनरल रिजर्व 1,20 और 3 लाख, पीएनडल 70,000 1,90,000, कैपिटल रिजर्व 20,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हमारी फिक्टिशियस असेट है 10,000, शेयर्स वर परचेस्ड 31/12/17, कैलकुलेट कैपिटल एंड
रेवेन्यू प्रॉफिट्स, करें फटाफट से निकाल कर बताएंगे कि कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट का हिस्सा कितना आ रहा है।